हेलो, मैं हूँ रेखा यादव और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। ये तो हम सभी जानते हैं कि लहसुन में ढेर सारे एंटीबायोटिक और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं और कई लोग इसके बेहतरीन फायदों को देखते हुए सुबह सुबह इसे खाली पेट खाते भी हैं। लेकिन सुबह सुबह खाली पेट लहसुन की कली को खाना इतना आसान नहीं होता, इसलिए अच्छा है कि आप इससे बनी चाय का सेवन करें। जी हाँ, लहसुन की चाय। आपको बता दें कि प्राचीन ग्रीस में लहसुन के चाय का सामान्य रूप में इस्तेमाल होता था, क्योंकि ये शरीर को मजबूती देने के साथ साथ संपूर्ण स्वास्थ्य को भी ठीक रखने का काम करता था। इसके अलावा इससे शरीर को ऊर्जा भी मिलती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आप लहसुन की चाय पीते हैं तो आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इस चाय का सेवन करने से आपके शरीर में मौजूद सारे टॉक्सिक पदार्थ बाहर निकल आते हैं, जिसकी वजह से शरीर में मौजूद एक्स्ट्रा फैट नष्ट होती है और आपका वजन आसानी से कम होता है। यानी कि ये एक तरह की वेट लॉस ड्रिंक है। अगर आप सुबह सुबह इस चाय का सेवन करेंगे तो इससे आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, जिससे आपका पाचन तंत्र ठीक से काम करेगा और आप हेल्दी रहेंगे। लहसुन की चाय का सेवन करने से आपके शरीर में ब्लड का प्रवाह ठीक रहता है, जिससे आपको दिल से संबंधित दिक्कतें नहीं होती। अगर आप इस चाय का रोजाना सेवन करते हैं तो आपके शरीर का कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज नहीं होती। लहसुन एक एंटीबायोटिक होता है, इसलिए इसकी चाय का सेवन रोजाना करना चाहिए। ये आपको सर्दी, जुकाम, खांसी जैसी बीमारियों से दूर रखती है। अगर आप इसके चाय का सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर से विषैले पदार्थ को आसानी से बाहर निकाल देती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुद्ध रहता है। लहसुन की चाय का सेवन आपके शरीर की इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है। इसके अलावा लहसुन में विटामिन ए, B1, B2 और C अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इस चाय का सेवन करने से आपकी त्वचा में चमक भी आती है। आपको बता दें कि लहसुन में विटामिन के साथ साथ ढेर सारे मिनरल्स जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, जो आपके हड्डियों को मजबूती देते हैं। लहसुन एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल्स को बनने से रोकता है, तो अगर आप इसके चाय का सेवन करते हैं तो ये कैंसर की संभावना को कम करता है। ये तो इसके फायदे हो गए। आइए अब ये जानते हैं कि लहसुन की चाय बनाते कैसे हैं। गार्लिक टी, यानी कि हमें लहसुन की चाय बनाने के लिए चाहिए होगा लहसुन, अदरक, नींबू का रस, एक ग्लास पानी और शहद, जिसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लहसुन की 3 कली पहले से ही छील के रखी है और अदरक को भी कद्दूकस कर लिया है। आइए अब बनाते हैं लहसुन की चाय को। चाय बनाने के लिए हम एक माइक्रोवेव कंटेनर लेंगे, क्योंकि हम माइक्रोवेव पे यूज़ कर रहे हैं। आप अगर गैस पर बना रही हैं चाय, तो उसके लिए आप जो नॉर्मल बर्तन यूज़ करती हैं चाय के लिए, वो कर सकती हैं। तो इस कंटेनर में हम यहाँ 1 ग्लास पानी डालेंगे। इसके बाद जो हमने लहसुन की कलियाँ छील के रखी थी, इन्हें हम कूट लेंगे और इसके 2 कली डालेंगे। उसके बाद लगभग 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक डालेंगे। अब इसे हम माइक्रोवेव में 5 मिनट तक रखेंगे। अगर आप इसे गैस पर बना रही हैं तो इसे तब तक उबालें जब तक कि ये पानी आधा ना हो जाए। तो चलिए इसे माइक्रोवेव में रखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, चाय बनकर तैयार है। अब इसे हम एक कप में छान लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस मिलाएंगे, लगभग 1 चम्मच, और 1 चम्मच शहद। इनको अच्छे से मिला लेंगे। हमारी गार्लिक टी तैयार हो गई।
आइए अब ये जानते हैं कि इसका सेवन कब करना चाहिए। लहसुन की चाय को आप रोजाना सुबह सुबह खाली पेट पी सकते हैं। ये आपके लिए उतना ही फायदेमंद है जितना कि लहसुन की कली को आप सुबह खाली पेट खाते होंगे। इसलिए इस चाय का सेवन रोजाना करें और ढेर सारे स्वास्थ्य लाभ लें। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए बोल्ड स्काई और हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।